which the following statement is incorrect for opioid drug? They bind to specific opioid receptor present in our brain सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली नहीं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये GIT में पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, गलत हो गया। जैसे कि NCERT लिखती है कि दे हैव ऑफियोइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है ना, दोनों में पाया जाता है। इट इंक्लूड हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक एंड इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। इट इज वाइट ऑडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पूपी प्लांट, दैट इज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पूपी प्लांट, दैट इज पेपावरम सोमनीफेरम, लेटेक्स ऑफ द पेपावरम सोमनीफेरम। तो पहला अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है, पहला अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है। हाउ मैनी पेटल्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर ऑफ मकोई, देखो मकोई क्या, मकोई कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मकोई बिलोंग करता है सोलनेसी से, और सोलनेसी में हमारे पास एक, हमारे पास सोलनेसी जाते ही दिमाग में गाना चाहिए पाँच 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 पेटल पाँच सेपल पाँच गाइनो एंड्रोशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाँच पेटल्स पाए जाएंगे, देखो फ्लोरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। पांच क्या है, सेपल्स हैं, पांच पेटल्स हैं और पांच एंथर्स हैं। यहाँ पे सेपल्स सॉरी पेटल्स जो होते हैं वो एंथर से फ्यूज होते हैं, मतलब मैंने बोला एंड्रोसियम से फ्यूज होते हैं, सो इट इज नोन एज एपीपेटलस कंडीशन। Select the correct match from the following. Humoral immunity given by killer T cell. Humoral immunity, देखो humoral किसको बोलते हैं, ह्यूमर मतलब ब्लड, ब्लड में पाया था इम्यूनिटी, कौन सा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है मतलब इसको कौन सिक्रेट करेगा, एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय बी सेल्स, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किलर टी सेल नहीं प्रोवाइड करते ह्यूमरल इम्यूनिटी, इट इज प्रोवाइडेड बाय द बी सेल। एंड एमेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, एंड एमेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, टाइम टेकिंग स्लो इम्यून रिस्पॉन्स, नो 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 टाइम टेकिंग होता है, ये हमारे पास ये हाईली इंटेंसिटी इंटेंसिफाइड होता है, एन एमेनेस्टिक दैट इज बेस्ड इन मेमोरी, मेमोरी बनाकर रखा है, अगर अगली बार पैथोजन आया तो तुरंत इसको अटैक करूंगा, इसलिए। तो ये दूसरा सेगमेंट क्या होगा, गैस हो जाएगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, सही बात है, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, सिर्फ सिर्फ तीसरा सही है अपने पास। ह्यूमरल इम्यूनिटी इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि कौन रिलीज करता है एंटीबॉडी को, आईजी क्या एंटीबॉडी को रिलीज करता है, बी सेल्स। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टू डेट बाय नॉर्मन मेयर, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अभी तक। There are 34 biodiversity hotspot. The two most dreadful and fatal diseases throughout the world is cancer and AIDS. Which of the following is true about phenylketonuria? Mental retardation देखने को मिलता है, सही है। Accumulation of phenylalanine and फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव, सही है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये भी सही है, सब सही है, सब सही है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है फिनाइल एलानिन, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पाया था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है ना, जो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनने का प्रोसेस उठ के आता है, रुक जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलानिन को किसमें करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो वो नहीं बनता टायरोसिन, तो फिनाइल एलानिन ब्लड में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। A taxon is a group of related families, a group of related species, a type of living organism, a taxonomic group of any ranking है ना, taxon family भी हो सकता है, order भी हो सकता है, genus भी हो सकता है, species भी हो सकता है, kingdom भी हो सकता है। Each category refers to, each category refers to as a unit of classification. Represent a rank known as taxon. Which of the following is not the function of placenta in human female? Which of the following is not the function of placenta in human female? Okay.
इट सीक्रेट एस्ट्रोजन रिलैक्सिंग हार्मोन प्लासेंटा ये निकालता है क्या? बिल्कुल निकालता है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, सही बात है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑक्सीटोसिन कौन निकालता है? ये निकालता है पोस्टियर पिट्यूटरी। ये कहाँ से निकलता? प्रेगनेंसी के समय ये प्लासेंटा से नहीं निकलता। इन यूकैरियोटिक सेल द प्रोटीन दैट विल फंक्शन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किससे बनेगा? राइबोसोम इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं नहीं राइबोसोम इन द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहाँ पर पाया जाएगा? राइबोसोम इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, जो आरएनए जो बनेंगे ना। इन यूकैरियोटिक सेल द प्रोटीन दैट विल फंक्शन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब आरएनए इज मेड बाय न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस होता है ना, आरएनए को बनाना है, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब जो कि आरएनए राइबोसोम को बनाने वाला प्रोटीन की बात कर रहा है, जो कि कहाँ बनते हैं? आरएनए, दे आर फॉर्म्ड इन लाइजोस न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन अ प्लांट, सो इट्स अफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो जिंक जो होता है ना, जिंक किसके बायोसिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन। जिंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इन ह्यूमन फीमेल इज द ड्यूरेशन ऑफ हर मंस्ट्रल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ हर मंस्ट्रल साइकिल इज 34 days, देन वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ल्यूटल फेज एंड एट वॉट डे ओव्यूलेशन अकर इन द ह्यूमन। देखो ल्यूटल फेज का हमेशा डे फीस है, 14 days का ही ल्यूटल फीस चलता है, और हमने को बोला कि अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना तो डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस क्या कर दो, 14 कर दो। यहाँ पे डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 कर दो, तो ये हमारे पास डे कोई सा भी डे हो सकता है, वो तो यहाँ पे 34 अपने गिवन है, 34 माइनस 14 कर दिया, मतलब 20 days जो होगा वो डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा, 20 days डे ऑफ ओव्यूलेशन। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, इन सम ट्रेडोफाइट स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन से स्टेडोफाइट, सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो सिलेजिनेला हमने बोला किससे बिलोंग करते हैं, लाइकोप्सिडा से, और साल्विनिया बिलोंग करते टेरोप्सिडा से। तो हमारे पास अगर हमने बात की एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास स्ट्रोबिलाई और कौनस पाया जाता है, सिलेजिनेला मतलब है ना लाइकोप्सिडा का मेंबर है, और इक्विसिस्टम जो कि स्पिनोप्सिडा का मेंबर यहाँ पाया जाता है, और ये कहाँ पे एब्सेंट होता है, टेरोप्सिडा का मेंबर में। तो हमने बोला गलत तो होना, तो पहला वाला गलत हो सकता था, लेकिन हमने बोला ज़्यादा गलत कौन सा, ज़्यादा गलत दिखते हैं, हमने बोला ट्रेडोफाइट सब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में, सब पढ़ लेते हैं, छोड़ना नहीं है कोई स्टेटमेंट, गलती हो जाती है कभी कभी। ट्रेडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फॉन, सही है सही है। ट्रेडोफाइट मेन प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट, सही है। ट्रेडोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, गलत। टेडोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, उगैमस। टेडोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेडोफाइट इज उगैमस, तो ज़्यादा गलत है ये, पूरा एग्जैक्टली गलत है, ठीक है ना। ये वाला में थोड़ा सा गलती है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा गलत है, डी वाला स्टेटमेंट। द बाउंड्रीज ऑफ विच द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है, देखिए द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज प्रोटिस्टा। द क्लाइटरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू, ठीक है। तो क्लाइटरिस कहाँ पाया था देख लेते हैं पहले, तो ये हो गया अपने पास क्लाइटरिस, ये क्लाइटरिस हो गया। क्लाइटरिस कहाँ पाया जा रहा है, लेबिया माइनोरा के जंक्शन में, ये तो लेबिया मेजोरा है, उसके अंदर में क्या है, लेबिया माइनोरा, ये रहा लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में क्या पाया जा रहा है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में क्या पाया जा रहा है, क्लाइटोरिस पाया जा रहा है। एंड इट इज अबव द, इट इज अबव द, इट इज अबव द, इट इज अबव द, इट इज़ अबव द यूरिथ्रल ओरिफाइस, ये क्या है, यूरिथ्रल ओरिफाइस है, यूरिथ्रल ओरिफाइस के जस्ट अबव क्या पाया जा रहा है, क्लाइटोरिस पाया जा रहा है, ठीक है ना। एंड बिटवीन द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरिथ्रल ओरिफाइस। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है ना। पैसेंजर पिजन स्टेटी का बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन। द इंडस्ट्रीज विच इज डिनोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल इज फिशरी। फिशरी में देखो एनसीईआरटी जो डेफिनेशन लिखा है फिशरी का, वो दिखाया है कि फिशरी इज अ इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है।
तो हमसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर एक्वा कल्चर के बच्चा डिफरेंस बताओ। देखो पीसी कल्चर सिर्फ और सिर्फ मछलियों के लिए, पीसी कल्चर सिर्फ और सिर्फ फिश के लिए, मछलियों के लिए, और एक्वा कल्चर में हमने बोला प्रॉन्स हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, है ना, हमने बोला मॉलस्क हो गए, और यहाँ पे फिश तो होते ही हैं, है ना, एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। तो एक्वा कल्चर में फ्रॉन्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, मतलब क्रस्टेशियन होते हैं, मोलस्क होते हैं, फिश भी होते हैं, लेकिन सिर्फ से पीसी कल्चर में सिर्फ से फिश होता है, और दोनों का कलेक्टिवली कॉल्ड एज फिशरी, कलेक्टिव कॉल्ड एज फिशरी। देखो डेफिनेशन, डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस देख लेते हैं, देखो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास जो एक्वा कल्चर है वहाँ पे फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्क एंड एक्वाटिक प्लांट, और पीसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही है, इट इज एंटर न्यूक्लियस, सही है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नो, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड इट प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी इन अ डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, सही है, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, देखो उसको आइसोलेट किया गया था, हमने बोला बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इज यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर लो स्पर्म काउंट है तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं ना, अगर स्पर्म काउंट कम है या फिर मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, लो स्पर्म काउंट है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है मेल, तो हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी का केस है, इसमें दोनों क्या करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे, इंसेमिनेशन कौन सा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं या फिर इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं या फिर इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, अगर लो स्पर्म काउंट है या फिर मेल इज इंपॉर्टेंट या फिर इट इज अनेबल टू इंसेमिनेट, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी इन मेल इज आइदर ड्यू टू, है ना, मेल अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, दूसरा केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं फिर इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेल आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक लाइसिंग एंजाइम विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, तो बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम सही बात है, प्लांट के लिए सेल्युलोज सही बात है, सेल्युलेज होता है इसलिए सेल्युलोज होता है इसलिए सेल्युलेज, और एल्गी के लिए मिथाइलेज गलत बात है, और फंजाई का जो सेल वॉल होता है काइटिन से बनता है, काइटिन सही बात है, एल्गी के जो एल्गी होते हैं ना वो जिनके सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, मैनेंस, है ना, सेल्युलोज, हेमी सेल्युलोज, ग्लटेंस, मैनेंस से बना होता है। Which of the following is not a characteristic of an ideal contraceptive? It should be user friendly and easily available. ये सही है, ये सही है। अपने पास देखो हमारे पास काइटिनेज हो गया लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज प्लांट के लिए, और काइटिनेज फंजाई के लिए, ठीक है, ओके तो चलो देख लेते हैं, हमारे पास है ना आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड ईजिली अवेलेबल, सही बात है, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, सही बात है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक गलत पूछा हमसे, इट शुड with no only side effects, सही बात, it should interfere with the sexual desire and or on the sexual act of the user, गलत बात है, देखो NCERT लिखती है कि हमारे पास ये it should है ना, है ना, it should in no way to interfere with the sexual desire, sexual derive or sexual desire, sexual है ना, or derive the sexual act on the user, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, इसने बोला कि ये करता है लेकिन ये नहीं करता, कोई इंटरफेयर नहीं करता। When a bacter take up a foreign DNA segment, then it is known as, जब bacter ने क्या ले लिया, foreign DNA segment को बोल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, recombinant bacter हो जाएगा। हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, डिकम्पोजिशन आर लार्जली एनएरोबिक प्रोसेस, नहीं, डिकम्पोजिशन जो होता है ऑक्सीजन रिकॉर्बिंग प्रोसेस होता है ये एरोबिक होता है, एनएरोबिक नहीं होता, तो गलत हो गया, ये हमको इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट ही हमको पूछा है, इनकरेक्ट बताना है अपने को। फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म अकर साइमल्टेनियसली, सही है। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन, सही है। पॉन्ड इज अ डीप वाटर बॉडी, नहीं, पॉन्ड डीप वाटर बॉडी नहीं होता, ओशियन होता है। The rate of decomposition is controlled by the chemical composition rate, that is in climatic factor, सही है।
देखो हमारे पास डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरमिंग प्रोसेस, मतलब ये एरोबिक कंडीशन में नहीं होगा, ये एरोबिक कंडीशन में होता है। और फ्रेगमेंटेशन लीचिंग एंड फ्रेगमेंटेशन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, देखा है कि जब आप स्टेप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ने बोला कि सब क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं। और देखो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसी ऑक्यूपाइंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज जोनेशन। ओके, जो पर्टिकुलरली हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन इज कंट्रोल बाय द केमिकल कंपोजिशन द डेट्रस एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी क्या करता है, डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है। तो अपने पास इनकरेक्ट पूछा तो दो इनकरेक्ट है, 1 और 4 इज इनकरेक्ट। रीड द फॉलोइंग मैच अबाउट कॉर्डिट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। पेट्रोमाइजोन बिलोंग टू साइक्लोस्टोम एंड इज एंडोपैरासाइट ऑन सम फिश। नो, इट इज एक्टोपैरासाइट। और पेट्रोमाइजोन इसको लैम्प्रे बोलता हूँ, ये एंडोपैरासाइट नहीं होता है, ये एक्सोपैरासाइट होता है। एक गलत हो गया। स्कोलिडॉन कॉन्ड्रोकाइसिस इन विच टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल, सही है। हिप्पोपोटेमस कार्टिलेजिनस एक्वेरियम फिश। नो, इट इज नॉट एक्वेरियम फिश, इट इज मराइन फिश। इक्थियोफिश इज स्लिम लेस वी पेरस एम्फीबियन, नहीं, एम्फीबियन जो होते हैं वो ही पेरस होते हैं, वी पेरस नहीं होते। इनकरेक्ट पूछा हमसे तो 3 इनकरेक्ट है अपने पास, 1, 3 और 4 इज इनकरेक्ट, 1, 3 और 4 इज इनकरेक्ट। देखो ये पेट्रोमाइक्सन बिलोंग टू लैम्प्रे, पेट्रोमाइक्सन बिलोंग टू लैम्प्रे जो कि साइक्लोस्टम का मेंबर है, ठीक है, जॉलेस फिश। और जो जो कॉन्ड्रोकाइथिस होते हैं कार्टिलेजिनेसिस में, जो जो टीथ होते हैं दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल, ठीक है ना। और हिपोपोटेमस इज अ मराइन फिश, ठीक है ना। हिपोपोटेमस कोई एक्वेरियम फिश नहीं, एक्वेरियम फिश तो बेटा है और टेरोफाइलम, दिस आर द एक्वेरियम फिश इन द केस ऑफ ऑस्टियोकाइथीस। और हमारे पास जो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ओविपरस, है ना, ओविपरस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है किसमें, एम्फीबियन में। और डेवलपमेंट कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और ओविपरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओविपरस। यहाँ पे ये वी प्रेस नहीं होते, यहाँ पे वी प्रेस नहीं होते, ओवी प्रेस होते हैं। अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ बायोमास विल बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट। अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, देखो एंसर लिखा है द मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ड्राई वेट के टर्म में है ना, इज मोर एक्यूरेट, इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। विच द फॉलोइंग विल बी लीस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय एब्रिडेशन। लायन की जो टॉप कंज्यूमर होते हैं सबसे कम अफेक्टेड होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। द नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्मल डिराइव ब्लड लाइक ऑर्गन। नहीं, जो नोटोकॉर्ड होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है क्योंकि एक्टोडर्मल बोल रहा है गलत बोल रहा है। प्लेटी हेलमेंथिस आर ट्रिपलो ब्लास्टिक एंड सुडोसिलोमेट एनिमल, नहीं, प्लेटी हेलमेंथिस आर सिलोमेट एनिमल, सुडोसिलोमेट तो कौन होता है, एस्के हेलमेंथिस। द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेरिया इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, नहीं, मेटास्टेसिस तो इट इज द मोस्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर है ना, ये मेटाजेनेसिस कहलाता है। ओवेरिया में जो है ना, हमने बोला एम से पी जाओ सेक्सुअली, मैंने बोला मेड्यूसा से पॉलिप जाएंगे सेक्सुअली, दैट इज मेड्यूसा इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म जो कि पॉलिप कहलाता है सेक्सुअली। इन टीनोफोरा ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व, यस, टीनोफोरा में सिर्फ सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। प्लेटी हेलमेंथिस इज डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल, है ना। ओबिलिया में जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस, है ना, ओबिलिया में जो देखने को मिलता है ना, एम से पी जाओ सेक्सुअली। और हमने बोला सिप और सिप ओनली ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन टीनोफोरा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रिजनरेशन।
तो अनसेटल लिखा है कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. विच द फॉलोइंग टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. तो हमारे पास ये लाइनें आई है सब उठ के. तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन. ठीक है सर, कंट्रोल कौन करता है? न्यूरल टिश्यू कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू. इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. तो गिम्नोसोम में जो गैमेटोफाइट होगा वो डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट में. द ब्रूड पाउच इन फीमेल कॉकरोच इज फाउंड बाय 7, 8 and 9 स्टर्ना. सारे स्टर्ना से बनता है. सेवेंथ स्टर्नम इज बोर्ड शेप विद 8 and 9 स्टर्नम. मतलब सारे स्टर्नम 7, 8 और 9 स्टर्ना जो होते हैं क्या बनाते हैं? जेनरेटर या फिर ब्रूड पाउच बनाते हैं. मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. कंप्लीटली कंडेंस क्रोमोजोम कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैक्सिमम कंडेंस हमारे पास मेटाफेज में देखने को मिलेगा. डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल एनाफेज 2 में देखने को मिलेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी एंड ईआर डिसअपीयर प्रोफेज में. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर डिवीजन जो होगा सेंट्रियोल का वो कहाँ पे होगा? यार डिवीजन जो होगा सेंट्रियोल का वो अपने पास एस फेज में होगा और अपने पास स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर का एनाफेज में होगा ना. डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर बोला है, डिवीजन ऑफ है ना सेंट्रियोल बोला है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं बोला है, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल बोला है. ठीक है तो ए का टू. इन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन द नोड ऑफ रणवीर इज प्रेजेंट ऑन. देखो नोड ऑफ रणवीर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व में तो पाया जाता ही जाता है. ऑटोनॉमिक और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में भी क्या पाया जाता है? नोड ऑफ रणवीर पाया जाता है. क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी की लाइनें ही सबसे जबरदस्त लाइनें हैं. देखो नोड ऑफ रणवीर इज द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट. माइलिन नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व. तो यहाँ पे तो पाया जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे तो पाया जाएगा. देखो मेनली तो ये समझ जाएंगे कि नोड ऑफ रणवीर जो है ना ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्व सिस्टम में है ना अनमाइलिन नर्व फाइबर एनक्लोज बाय स्वान सेल. इट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन. इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम. देखो मेनली तो बात करें कि अपने पास अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास स्वान सेल, अगर आंसर देखें ना तो यहाँ पे स्वान सेल के बीच के डिस्टेंस को दो एडजेसेंट स्वान सेल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला है? नोड ऑफ रणवीर बोला है. क्या बोला है? नोड ऑफ रणवीर. है ना तो गेप है ना नोड है रणवीर का जो कि स्वाम सेल की मेनली ऐसा बोलना चाह रहा है शायद ये कि नोड ऑफ रणवीर जो है ना वो स्वान सेल के बीच का गेप है. स्वान सेल के बीच का गेप क्या होगा? माइलिन शीट के बीच के गेप के बराबर हो सकता है क्योंकि स्वान सेल क्या बना रहे हैं? माइलिन शीट बना रहे हैं. लेकिन हर जगह स्वान सेल तो नहीं पाया जाएगा. जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पाए जाते हैं? ओलिगोडेंडोसाइट पाए जाते हैं. तो माइलिन शीट का बीच की जगह को ये बोल दे रहा है नोड ऑफ रणवीर. लेकिन मेनली तो ऐसा ही होगा कि भाई नोड है ना, नोड है तो हमारे पास ऐसे समझते हैं जैसे एक हमारे पास क्या होता है, जैसे गन्ना है, गन्ना है अपने पास, गन्ने का पेड़ है. तो गन्ने के बीच में जो नोड है ना वो कैसा होता है? कुछ है ना ऐसा पार्ट होता है गन्ने का पार्ट में नोड, ऐसे सोलन स्ट्रक्चर. ठीक है ना तो वही है कुछ बीच में गैप टाइप के स्ट्रक्चर. ठीक है तो ये स्वान सेल के बीच के गैप को भी हम बोल सकते हैं नोड ऑफ रणवीर. तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व में पाया जाएगा नोड ऑफ रणवीर. एंड इट इज फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम. इफ द थ्री फॉर्म हैबिटेट्स आर 24 क्रोमोसोम देन व्हाट इज द व्हाट विल बी द नंबर देयर नंबर इन द न्यूक्लियस एंड फ्यूनिकल ऑफ द सेल. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यू सेल. न्यू सेल ऐसा हो फ्री फॉर्म हैबिटेट्स कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा है ना. और न्यू सेल्स कैसे डिप्लॉइड होगा? फ्यूनिकल भी डिप्लॉइड होगा. तो 28 into 2 56 56 दोनों में 56 56 पाए जाएंगे.
With reference to different structure of human brain, which one is incorrect match? Thalamus, major coordinating center for sensory and motor signaling, सही है. Association area responsible for complex function like intersensory association and memory and communication, सही है. Medulla oblongata control respiration, cardiovascular reflex, excitement and urge of eating and drinking, नहीं नहीं ये medulla नहीं control करता, यह hypothalamus control करता है. सी गलत हो जाएगा आपने पास, सी गलत हो जाएगा. इनकरेक्ट पूछा आपने को, इनकरेक्ट पूछा है. लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, सही है. विच द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ग्लूकोज इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट. मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, साइनोवियल जॉइंट बिटवीन इडिस एंड एल्ला, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, नहीं नहीं ये हमें पास मैंने बोल रहा हूँ, आंसर नहीं बोल रहा मैं, मैंने पढ़ा बिटवीन क्रैनियल स्कल बोन. बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, ठीक है ना. तो हमारे पास क्रैनियल बोन के बीच में, बिटवीन क्रैनियल बोन, बिटवीन क्रैनियल स्कल बोन के बीच में क्या पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट, है ना. स्कल बोन के बीच में फाइब्रस जॉइंट, डी का थ्री, डी का थ्री. और कार्टिलेजिनस जॉइंट, एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट, बी का फोर. ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पस, सी का टू. तो अपना आंसर पहला जाएगा. हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट, पूछा गया वैरायटी ऑफ ब्रासिका अ डिसीज रेजिस्टेंट फॉर बैक्टीरिया, पूछा करो आप, ठीक है. तो ऐसे रहेगा, पूछा करो आप. सेटल जॉइंट कहाँ पर, सेटल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर आता है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री. पूसा गौरव, ब्रासिका की वैरायटी इज रैपसीड मस्टर्ड, पूसा गौरव दैट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम पेस्ट, इट इज रेजिस्टेंट फॉर पेस्ट, ठीक है ना, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट नॉट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट. जे रत्ना वैरायटी ऑफ वीट गलत है, दे आर वैरायटीज ऑफ राइस. मेथड ऑफ प्रोडक्शन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड इज माइक्रो प्रोपगेशन. यस, माइक्रो प्रोपगेशन, हम इतने पेड़ बनाएंगे, इतने पेड़ बनाएंगे, पेड़ रखने के लिए जगह नहीं बचेगी. पूसा सवानी इज द वैरायटी ऑफ ब्रासिका, नो. पूसा सवानी जो है, देखो पूसा सवानी, पूसा स्वर्णिम होता है यार, पूसा सवानी नहीं है, पूसा स्वर्णिम है, ठीक है ना. स्वर्णिम सुनहरे मास्टर कैसे होता है, सुनहरे, तो सुनहरे से याद लेंगे, पूसा स्वर्णिम ब्रासिका. तो गलत जाएगा फोर्थ वाला. कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज ट्री पोटेंसी. यस, जो हमारे पास है ना, किसी भी प्लांट से, एक्सप्लांट से पूरे प्लांट को बना रहे तो हम क्या बोलेंगे, ट्री पोटेंसी. द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड एज ट्री पोटेंसी, सही है ये. तो अपने पास मेथड अब तो थ्री और फाइव सही है, दो सही है, अपने पास तीन गलत है. विच द फॉलोइंग इज एन एल्गी रिलेटेड बोन, ओके. विच द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया अपने पास, एस्ट्रोजन की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस. देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द बोन मिनरल मास एंड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. अ कैस्टर प्लांट, कैस्टर प्लांट कैसा होता है, मोनोइसियस. तो यहाँ पे क्या तो बच जाएगा, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन जुटिनोगैमी नॉट प्रिवेंटेड. कैस्टर एंड मेज आर मोनोइसियस प्लांट, सो ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट जुटिनोगैमी इज नॉट प्रिवेंटेड. विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल टू प्रोड्यूस हार्मोन. तो जो हमारे पास है हाइपोथैलेमस होता है वो कंटेन करता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं. न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, दे आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन द एंजियोस्पर्म इज एनाट्रोपस ओव्यूल जॉइंट. साइड ने जो डायग्राम दिया है वो एनाट्रोपस दिया है, मतलब उल्टा होता है, 180 डिग्री रोटेटेड होता है ना.
जो बेस होता है, बेस और जो बेस चलाजा जिसको हम बोलते हैं, बेस होता है जो चलाजा होता है ना, और माइक्रोपाइल, ये तो रोटेट हो चुका है ना। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन। तो डायबिटीज मेलाइटस जब क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो ग्रेव डिसीज जब थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज एक्सोथर्मिक गट, या फिर बेसिडॉड डिसीज, ठीक है ना, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉइड। क्रिटिनिज्म जब थायरॉक्सिन कम हो जाएगा, एडिशन डिसीज जब एल्डोस्टेरोन अनुपस्थित होगा, मतलब मैंने बोला कम हो जाएगा। तो देखो डायबिटीज मेलाइटस क्रिटिनिज्म और एडिशन डिसीज दिस आर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हॉर्मोन, बट ग्रेव डिसीज बढ़ने से हो जाता है ना, इंक्रीज से होता है। अकॉर्डिंग टू एच विटिकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी द फॉलोइंग आर प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो क्लोरेला भी हमारे पास प्रोटिस्टा का मेंबर है, डिक्सिया नहीं है, वाइसल स्ट्रैबम नहीं है, क्लेमाइडोमोनास है, साइकस नहीं है, रेडियम नहीं है, कैप्सिला नहीं है, गोनिलेक्स है, यूग्रिना है, एमीबा है, फाइसेरम जो स्लाइम मोल्ड्स का मेंबर है, फ्यूकस नहीं है, चारा नहीं है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, द फॉलोइंग सेट ऑफ हॉर्मोन आर लिपिड सोलेबल एंड गिव अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, लिपिड सोलेबल कौन कौन से हैं, तो स्टेरॉयडल हॉर्मोन होते हैं लिपिड सोलेबल, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, यस दे आर लिपिड सोलेबल। ये है FSH तो जो प्रोटीन हार्मोन होता है, जितने भी एंटी पिट्यूटरी जो हार्मोन होता है वो कैसे होता है, प्रोटीन हार्मोन, तो ये नहीं होगा अपने पास आंसर। इंसुलिन भी प्रोटीन हार्मोन, ये नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन भी प्रोटीन हार्मोन, ये नहीं होगा। बैक्टीरियल फेज है जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया एनिमल मान लेते हैं, एनिमल के पास क्या होगा, एनिमल क्रॉस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखो फाइसेरम किसका मेंबर है, स्लाइम मोल्ड्स का मेंबर है ना। पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन कौन है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड बैक्टीरिया वायरस दैट इज बैक्टीरियल फेज, दे हैव यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। About dash volume of the blood is filtered by the kidney per minute during urine formation to form dash amount of filtrate in the Bowman's capsule per minute. ठीक है, तो about ये 1500 से 1200 that is 1/5 of the volume pumped by each ventricle in a minute, that is cardiac output का 1/5 होता है जो volume जो kidney के पास आता है, जो कि 1200-1100 ml होता है। और ये पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनाता है, पर मिनट बोला ना, पर मिनट बोला है, देखो पर मिनट बोला तो 125 फिल्ट्रेट, 125 एमएल फिल्ट्रेट पर मिनट बनाता है, हर एक घंटे एक दिन में 180 लीटर बनाता है। व्हिच द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल फाउंड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन। सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोसाइट पाए जाते हैं, सबसे हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोसाइट, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोसाइट पाए जाते हैं। देखो इलेक्ट्रोसाइट इज द मोस्ट अबंडेंट, ओके ना, इन द ब्लड। In which the following plant is a tricarpillary syncarpus gynoecium, tricarpillary हमने बोला 2-1-2-3 याद रखना, 2-1-2-3 that is dental formula। तो cruciferi में ये, pavesi में ये, solanaceae में ये, और फिर liliaceae में ये। तो liliaceae में क्या मिलेगा, tricarpillary superior ovary वाला, तो onion is a member of liliaceae। Which one of the following is correct for mitral wall, जो कि bicuspid wall होता है, है ना, वो कहाँ पाया जाता है, बिटल वॉल राइट लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये गलत है, ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इट एसोसिएटेड विद द डी ऑक्सीडेड ब्लड इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, नहीं, इट इज एसोसिएटेड विद द ऑक्सीडेटेड ब्लड इन द लेफ्ट साइड, नॉट द राइट साइड। इट इज इट्स क्लोजर इज विद द फर्स्ट हार्ट साउंड लव, यस फर्स्ट हार्ट साउंड, जब हमारे पास लव जो साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड लव एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज टप, ठीक है ना। तो जो लव डब साउंड है वो किसकी वजह से आया, लव जो साउंड है फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज ड्यू टू क्लोजनिंग ऑफ सेमिनल वॉल, नो इट इज ड्यू क्लोजनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज द क्लोजर इज द इट्स क्लोजर इज विद द सेकंड हार्ट साउंड, नो। विच सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक सीक्रेट कास्टर इंटेंसिव फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जो देखो जो चीफ सेल होते हैं, जो चीफ सेल है ना,
चीप सेल या फिर जिसको हम पेप्टिड सेल बोलते हैं वो क्या निकालते हैं, पेप्सिनोजन। क्या निकालते हैं ये, पेप्सी, पी से पी पी पेप और पी पी पेप्सिनोजन, ठीक है। और जो कास्ट सेल, जो ऑक्सीनिटिक सेल होते हैं और जो पेरेटल सेल होते हैं क्या निकालते हैं, दे निकालते हैं एस सी एल, और वो क्या निकालते हैं कास्ट सेल इंट्रेंसिक फेटरस जो कि वाइटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करता है। वाइटामिन बी ट्वेल्व क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। तो ये अपने दोनों आंसर जाएगा, मतलब बी एंड सी इज आवर आंसर। लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट एंड अंडरगो पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजेंटली बीनेथ द सॉइल एंड दे कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट, दिस कंडीशन इज नॉट बिलोंग टू विच प्लांट। देखो ये बोल रहे हैं ऑब्लिकली बात करेंगे, ऑब्लिकली मतलब जमीन पे था, जमीन से टेढ़ा आता है, एस आर के आता है ना सर, शाहरुख खान एस आर के जैसा हाथ को ऐसे फैला के ऊपर आता है ना, बिल्कुल ऑब्लिकली ऊपर आता है ना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एस आर के, दैट इज शक्कर। ये क्या है, शक्कर से, और शक्कर के एग्जाम्पल क्या है, पी सी एम बी है ना, सब्जेक्ट होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स। तो ये हो जाएगा पाइन एप्पल क्राइसेंथेमम मिंट एंड बनाना। ऑक्सिलिस में नहीं पाया था, ऑक्सिलिस में नहीं पाया था, ऑक्सिलिस में ये नहीं पाया था, ऑक्सिलिस में नहीं पाया था। पेप्टिक और चिप सेल निकालते हैं पेप्सिनोजन, और पेरेटल और ऑक्सिनेटिक सेल निकालते हैं एससीएन कांसल इंट्रेंसिक फैक्टर। और हमारे पास शक्कर जो होता है कहाँ पाया जाता है, बनाना के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, क्राइसेंथेमम एंड लेटरल ब्रांचेस है ना, इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल एंड कम ऑब्लिकली अपवर्ड, इट कम ऑब्लिकली अपवर्ड टू गिव राइज टू द रीफी शूट, इट इज शक्कर है ना, एस आर के साथ पी सी एम बी, पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम मिंट एंड बनाना, यहाँ पे शक्कर पाया जाता है। ऑब्लिक वर्ड से याद रखना, ऑब्लिकली वर्ड से यहाँ पर आंसर मिल जाना चाहिए। विच द फॉलोइंग कंडीशन इज फाउंड इन द एल्वियोलाई विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फेवरेबल कंडीशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो पीओ टू नहीं है, लो टेम्परेचर येस, हाई पीओ टू नो, हाई एच प्लस कंसंट्रेशन नो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मशीन दैट इज यूज टू ऑब्टेन ईसीजी ऑफ अ पेशेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यस मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ आएगा तो वो मशीन है, ग्राफ मशीन है, और ग्राफ जो बनता है असली में उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा है केस, यहाँ पर उसी तो कन्फ्यूजन होती है लोगों को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट, यस ईच वेंट्रिकल जो कार्डियक साइकिल में है ना, नहीं, ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में जो पम्प करता है उसको कार्डियक कार्डियक आउटपुट नहीं बोलते, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ईच कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है उसमें वो पम्प करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 70 ml के आसपास होता है। तो ये अलग हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। द सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजनिंग ऑफ बोथ सेमिनल वॉल, सही है। हाइपरटेंशन इज रिलेटेड बाय द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना, अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो रेशियो बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर सेलुलर लेयर, नो, 3 मेजर सेलुलर लेयर से नहीं बनता, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं होता, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या नहीं होता, सेलुलर नहीं होता, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो सेलुलर नहीं होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सेलुलर। हमने बोला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, इट इज़ नॉट सेलुलर, ठीक है, तो ये गलत जाएगा अपने पास। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन mm ऑफ Hg आर सेम फॉर बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारे पास सेम होता है, फॉर सेम फॉर डी ऑक्सीडेड ब्लड एंड टिश्यू एंड ऑक्सीजन का डी ऑक्सीडेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू में वो कितना होता है, 40, दोनों में सेम हो गया ना। देखो ऐसे देखेंगे हमारे पास कि एक हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो PO2 ऊपर में, PCO2 नीचे में, और फिर 159, ठीक है ना, यहाँ पे एटमॉस्फियर, फिर एल्वियोलाई, फिर डीऑक्सी, फिर ऑक्सी, फिर टिश्यू, 149, 104 इम्पॉर्टेंट है,
फिर 40, फिर 95 और 40। ओके, CO2 का इम्पोर्टेंट इजी है, 0.3, फिर 40 45, 40 45, 40 45, 40 45। तो हमको बोला है डी ऑक्सीडेटेड ब्लड, हमको क्या बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डी ऑक्सीजेटेड ब्लड, जिसमें कितना है 40, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन इन द टिश्यू इज, टिश्यू में ऑक्सीजन का पास 40 है, हाँ टिश्यू में कितना हुआ 40। ठीक है ना, तो हमको पूछा है ये तो सही है बी गलत है, ये तो सही है बी सही है, ये तो गलत है बी सही है, ये तो गलत है बी सही है, ए इज करेक्ट, नहीं ए इज इनकरेक्ट बी इज करेक्ट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन एमएमजी आर सेम फॉर बोथ डी ऑक्सीजन ब्लड एंड टिश्यू, है ना। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है डी ऑक्सीजन ब्लड के लिए जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डी ऑक्सीजन ब्लड और टिश्यू के लिए क्या है सेम है। विच द फॉलोइंग इज अ लिविंग सेल विच कैन लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, जो मैच्योर सिप ट्यूब्स होते हैं और जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें क्या नहीं होता, उनमें क्या नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और दे लैक न्यूक्लियस। थ्रू सेट ऑफ मैनी मेमल्स एंड सिप ट्यूब लैक न्यूक्लियस। विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन बी कंसिडर्ड एज अ होमोलॉगस ऑर्गन और एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी, होमोलॉजी में ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यस ओरिजिन सबका क्या है एक्टोडर्मल, है ना, तो ये सही हो सकता है अपने पास, ये सही हो सकता है। हार्ट जो है ना वर्टिब्रेट में वो कैसा है एंडोडर्मल है, तो ये भी अपने पास हो सकता है। और फोर लिम्स ऑफ मैमल, ये भी अपने पास ओरिजिन सेम है, तो सबका ओरिजिन सेम है, सो दे रिप्रेजेंट होमोलॉजी। गिवन फिगर इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द पार्ट। सबसे बाहर में क्या पाया जाएगा फैलम, दैट इज कॉर्क, फिर बी क्या है फेलोजन, और सी क्या है प्राइमरी जाइलम, एंड डी क्या है सेकेंडरी जाइलम। देखो ये हो गया सबसे बाहर में फैलम, फिर फेलोजन, फिर सेकेंडरी जाइलम, ये रहा बाहर वाला क्या है सेकेंडरी जाइलम है, ये वाला यहाँ पे जो ये वाला है ना, देखो ये वाला क्या बोल रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम, डी सेकेंडरी जाइलम। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग ऑल कैट स्टेटमेंट, ई आर डिवाइड द इंटरसेलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, है ना, जो ल्यूमन के अंदर वाला उसको ल्यूमिनल बोलता हूँ, मतलब जो यार के अंदर वाला उसको ल्यूमिनल, बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। द सीज एंड द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, सही है। लाइसोसोम आर अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी बॉडी, येस। इन प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम द सेल, सही है, सब सही है। यार डिवाइड द इंटरसेलर स्पेस, यार डिवाइड द इंटरसेलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल दैट इज इनसाइड यार एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड द यार। और द सीज इन द ट्रांसफेस द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, एंड जो सीस है वो कैसा है कॉन्वेक्स, SAX, S और X साथ में याद रखना, अपने तरीके से याद रख लेना भाई, याद करने में मतलब है, मार्क्स 4 मार्क जाना चाहिए अपने जेब में। तो SAX है ना, सीस फेस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, है ना।
फ्रेंड्स के बीच में एस और ये एक्स, ये हो जाएगा फॉर्मिंग फेस। ओके आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल इन सेंट्रल इज 9+3 का था, 9+0 होता है। सेंट्रल में जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। फिमरिया इलांगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। यस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट द मेटाफेज। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड, ये तो गलत हो जाएगा। स्पेशल प्रोटीन से नहीं बनता ये, इलांगेटेड ट्यूबुलर नहीं होता, इलांगेटेड नहीं होता ये, इलांगेटेड नहीं होता ये, तो फिमरिया छोटे होते हैं ना, फ्लैजिला इलांगेटेड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज, सही है। मॉर्फोलॉजी मेटाफेजिक प्लेट एंड मैक्सिमम कंडेंसेशन, मिथुन 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 ठीक। अपने मैक्सिमम कंडेंसेशन कहाँ पे, मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट में कहाँ पे होगा, मेटाफेज में। मॉर्फोलॉजी कहाँ पे देखना है, मेटाफेज में। और हमको पूछता है कि बताओ सेंट्रोमियर का पोजिशन देखना है तो वो कहाँ पे देखते हैं, ना फेज में। हेटरोक्रोमेटिन जेनेटिकली मोर एक्टिव, क्रोमेटिन नो, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट, देखो अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेटिक फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है पार्थिनोकार्पी, चीज होगी फ्रूट होगा, एक तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एक सीड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। और अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन था पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। और सीड का फॉर्मेशन बोला है तो इट इज नोन एज एपोमिक्सिस। सीड का फॉर्मेशन क्या है, एपोमिक्सिस। सीड का फॉर्मेशन क्या है, एपोमिक्सिस। मॉर्फोलॉजी देखनी तो क्या देखो, मेटाफेज। मॉर्फोलॉजी देखनी तो क्या देखो, मेटाफेज। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना से इसका एग्जांपल है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे गैमेटोफाइट के कंप्लीट डेवलपमेंट में, फीमेल गैमेटोफाइट को पूरा बनने के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये एक, ये दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ये मिला के 3, ये 1 बोलेंगे, ये 2 बोलेंगे, ये 3 बोलेंगे। DNA डिपेंडेंट RNA polymerase catalyze the transcription of one strand of the DNA which is called as, ठीक है ना। DNA डिपेंडेंट RNA polymerase, RNA polymerase, DNA डिपेंडेंट RNA polymerase का मतलब है ना, catalyze the transcription of one strand of DNA which is called as the template strand, ठीक है ना। template strand क्या करता है, transcription करता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेस पार्टिसिपेट ड्यूरिंग प्रोफेज 1, है ना। रिकॉम्बिनेशन के समय मतलब वो पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो इंसर्टिन ने बोला देखो 2 सीक्वेंसियल स्टेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे बोला है और एक शुरू में माइटोटिक डिवीजन होगा 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाने के लिए, ठीक है ना। ओके सो वीएन वन मियोसिस एंड 3 माइटोसिस होने के लिए अगर हमको क्या करना है, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाना, तो क्या करना चाहिए, एक मियोसिस होना चाहिए और 3 माइटोसिस होना चाहिए। टेम्पलेट स्टैंड विच रन फ्रॉम 3-5, जो टेम्पलेट होगा उसकी पोलैरिटी कहाँ से कहाँ होगी, 3-5, टेम्पलेट की पोलैरिटी 3-5 तक होगी। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटिन स्टेज में देखने को मिलता है, इसीलिए हमने बोला प्रोफेज 1 में, पैकेटिन इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेज 1। विच एंजाइम और टीसीए साइकिल द क्रैब साइकिल इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस होता है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1-2 बोलता हूँ, वो कहाँ पाया था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसको मार्कर एंजाइम भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मार्कर एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, है ना, जो कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट तक का कन्वर्जन करता है, जहाँ पे क्या बनता है, एक FADH2 बनता है, क्या बनता है, FADH2 बनता है। इट इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नंबर 2।
फिर द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. मॉलिब्डेनम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजिनेस का पार्ट होता है. मॉलिब्डेनम इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनेस, है ना. मॉलिब्डेनम इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजिनेस. एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस में हमारे पास जिंक इज एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेस. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच द फॉलोइंग चांसेस आर एब्जॉर्ब, सॉरी चेंजेस आर एब्जॉर्ब, चेंजेस चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे. पी एच ऑफ द मैट्रिक्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पी एच क्या हो गया, एच प्लस वहाँ से निकाल कहाँ डाल देंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में डाल देंगे, तो पी एच उसका बढ़ जाएगा, एच प्लस कम हो रहा है इसीलिए. सही है. ए टी पी सिंथेस सिंथेसाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ ए टी पी वेन अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इज ट्रांसफर बैक टू द मैट्रिक्स. सही बात है. एन ए डी प्लस इज ऑक्सीडाइज, एन ए डी प्लस इज ऑक्सीडाइज हमने बोला, ऐसे बोल सकते हैं एन ए डी एच प्लस, ये बोलना चाह रहे होंगे एन ए डी एच प्लस, क्योंकि आंसर ने इसी के बात किया है. तो यहाँ पे अगर आंसर आएगा तो हमको यही क्वेश्चन आएगा, तो टिक ये करना है 1 2 3, है ना, क्योंकि एन ए डी एच हुआ है, मोर क्लियरली एन ए डी एच इज ऑक्सीडाइज, ठीक है ना. तो अपने पास ऐसा है कि ये जो आंसर की ना है, इनके पास डाटा यही फिक्स्ड है इनके कंप्यूटर में, तो 1 2 3 इज करेक्ट. इफ वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल इज -30 bar एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज -62 bar देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी पी. तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है. तो अपने पास साई डब्ल्यू दे दिया -30 प्लस टी पी बराबर -62, सॉरी उल्टा लिख दिया. यहाँ पे मेरे को -30 लिखना चाहिए था, यहाँ पे -30 बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया -62 प्लस टी पी, तो -30 प्लस 62 बराबर टी पी, दैट इज हमने पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, टी पी बराबर 32. फॉर फिक्सेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, इन द C3 प्लांट द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH इज, है ना. तो 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होंगे, एक क्या करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए. एक बोला है, याद रखना एक बोला, जल्दी में 18 मत कर देना, एक बोला है. फाइटोक्रोम आर इन्वॉल्व इन फोटोपीरियडिज्म, फाइटोक्रोम जो होते हैं फोटोपीरियडिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्टली मैच फॉर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल. तो बाइनरी फिशन सागासा में देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा. कोनिडिया पेनिसिलिया में सही है, ऑफसेट वाटर हैसिन सही है, राइजोम बनाना सही है. पिगमेंट फाइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन फोटोपीरियोडिज्म, एज इट इज क्वेश्चन आया है, एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन फोटोपीरियोडिज्म में है, फाइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं. ये देखो क्लैमाइडोमोनास है, पेनिसिलियम में बता रहा है कोनिडिया को, ठीक है ना. और वाटर हाइसिंथ में बता रहा है अपसेट, वाटर हाइसिंथ क्या बता रहा है अपसेट, राइजोम होते हैं बनानास में, बनानास में क्या होते हैं राइजोम्स. मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द टर्शियरी कॉन्फिगरेशन. होलो एंजाइम जो कि टोटल एंजाइम, होल एंजाइम, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट को मैं एपो एंजाइम बोलता हूँ, प्रोटीन पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, एपो एंजाइम बोलता हूँ. नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं कहता हूँ को फैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, को फैक्टर. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, सही है. PCR एनालाइजर टेक्निक दैट सर्व एज अ पर्पस ऑफ इजी अर्ली डायग्नोसिस, सही है. रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, नहीं, गलत हो गया. क्योंकि देखो NCERT ने अपने लाइनों पे साफ साफ बोला है, एक ही देखो ये समरी में लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है, द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन एंड दे डू नॉट इंड्यूस एनी एन अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक होते हैं वो ह्यूमन के जैसे ही होते हैं और ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, ह्यूमन प्रोटीन जैसे ही होते हैं. इसलिए ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, सही है.
The toxin produced by Vaisseria sinensis get activated in the alkaline pH of the gut. BOD value of different sample of water are given. Sample A BOD is 5 दिया है, BOD 12 sample C का दिया है 2 और 7 ठीक है ना. So the following sample will have the least number of diaphnia. देखो least number of diaphnia कहाँ पे देखने को मिलेगा. diaphnia हमेशा fresh water में पाया था. diaphnia कहाँ पाया था, diaphnia fresh water में पाया था. diaphnia fresh water में पाया जाता है. तो ये जो बी नंबर है ना वो वहाँ बीओडी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. पॉल्यूटेड है तो यहाँ पे डेफिनिया नहीं पाया जाएगा. लीस्ट अमाउंट ऑफ डेफिनिया इज फाउंड इन बी बिकॉज इट इज हाईली पॉल्यूटेड एंड डेफिनिया इज नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड रीजन. इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर और ग्रुप क्लीन वाटर. ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज बी एंड दैट ऑफ द डॉटर इज ए बी ठीक है ना. फादर का बी है, अगर ब्लड ग्रुप फादर का बी है और डॉटर का अगर ए बी है तो जीनोटाइप ऑफ द मदर वुड बी. देखो मदर का जीनोटाइप ए ओ बी हो सकता है और ए ए बी हो सकता है ना. और ए बी भी हो सकता है कि बी यहाँ से, ए यहाँ से, ए यहाँ से ठीक है ना. तो ए ओ भी हो, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ये दोनों ये वाला हो सकता है. हमको एक जीन मिलना चाहिए मदर से, तो ए ए और बिल्कुल ए बी भी हो सकता है. इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द मेथड दैट इज involved in identifying all the genes that are expressed as RNA. All the genes that are expressed as RNA are known as express sequence tag. जो कि RNA से और जितने भी जीन RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं. और एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन. सीक्वेंस एनोटेशन एक ऐसा अप्रोच है ना, इट इज अप्रोच अगर ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सीक्वेंसिंग द होल जीनोम वेदर इट इज कोडिंग और नॉट कोडिंग. तो अपने पास यहाँ पे एक्सप्रेस सीक्वेंस है जो अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं आरएनए के फॉर्म में, उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप बोलता हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने से, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने से, एनसीईआरटी बोल रही है अपने से. देखो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ठीक है ना. आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए आर नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और ईएसटीज. और ये एक होता है अपने पास सीक्वेंस एनोटेशन दैट इज कोडिंग सीक्वेंसिंग होल जीनोम. दैट इज द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सीक्वेंसिंग द होल जीनोम वेदर दे आर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन. अगर कोडिंग और नॉन कोडिंग की बात करें तो सीक्वेंस एनोटेशन की बात आएगी और एक्सप्रेस आरएनए एक्स व्हिच आर एक्सप्रेस आरएनए तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात आएगी. एक्सप्रेस से एक्सप्रेस मिलाओ आंसर पाओ. Which of the following seed character the Pisum sativum were studied by Mendel in his hybridization experiment. तो seed shape का study किया था, बिल्कुल seed bed का नहीं किया था, seed core का किया था, साथ के inside का नहीं किया था, seed number ये भी नहीं किया था. तो 1 and 3 only. Which one of the following condition in human is correctly matched with its chromosomal abnormality? Sickle cell anemia is X-linked? No, it is an autosomal disease. And a Down syndrome 44 plus X1 Turner syndrome होता है तो है ना. Klinefelter syndrome 44 plus XXY सही है. Planned blindness it is a X-linked disease not Y-linked. तो अपने पास सिर्फ सही सी सही है. When a single gene express more than one effect the phenomena is known as pleiotropy. And एक जीन अगर एक से ज्यादा effect show करे तो pleiotropy है. At a particular locus the frequency of A is, अगर A हमारे पास क्या है 0.6 and हमारे पास small a क्या दिया 0.4, then what is the frequency of the heterozygous in the random mating population. Heterozygous मतलब 2pq का frequency बताना है. तो 2 × 6 = 24 मतलब 48, 0.48. लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास कितने है ना बेस पेयर होते हैं. लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास जो बेस पेयर होता है 4850 होता है, 48502 होता है. देखो ये तो डाटा याद होना चाहिए था लेकिन साइड ने डाटा मेंशन किया यार. लैम्डा बैक्टीरियोफेज है 48502 बेस पेयर 48502. 502 किसको दो, मेरे को दो यार 502 ठीक है ना. किसको दो 500, मेरे को दो 502 502 502. एन ऑर्गेनिज्म यूज इज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप. तो राइजोबियम क्योंकि लेग्यूम्स में यही क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन मदर सेल इंटू मेच्योर पोलन ग्रेन इंक्लूड्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ठीक है ना. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज साइंड इन, देखो इसको साइन किया गया था 1987 में बट बिकम इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ठीक है ना.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था कनाडा मॉन्ट्रियल दैट इन 1967, लेकिन इफेक्टिव हुआ था 1989 में, इफेक्टिव हुआ था बिकॉज टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इन द क्रॉस बिटवीन दिस एंड द रेशियो ऑफ एफ टू जीनोटाइप बिटवीन दिस 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 एंड दिस दिस दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4 इंटू, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, वन इसका हेट्रोजाइगस कंट्रीब्यूशन होता है 2/4 और होमोजाइगस का 1/4, और इसका भी यहाँ पे एक होमोजाइगस है एक हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 2/4 और यहाँ पे होमोजाइगस दोनों हैं, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1:2, 2:2, 2:1 आएगा इसका रेशियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सी टू कंजर्वेशन। तो हमारे पास जो बोटनिकल गार्डन है वो तो एक्सी टू है, सिटी बैंक एक्सी टू है, सेक्रेट ग्रुप इन सी टू है, जियोलॉजिकल पार्क एक्सी टू है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स आर द होमो इरेक्टस, नो होमो हैबिलिस आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स। द नीएंडरथल मैन वॉज विथ अ ब्रेन साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द मॉडर्न मैन, यस सही है। ड्यूरिंग आइस एज 1 लाख, आइस एज जो था वो हमारे पास 40,000 से लेके 75,000 ईयर तक था, तो ये गलत हो गया, सी बी सही है। देखो आइस एज जो था सैक्रेड ग्रुप्स हमारे पास कहाँ पाया जा रहा है, हमारे पास इंडिया में सैक्रेड ग्रुप्स की बात करें तो काशी जयंतिया हिल इन मेघालय, काशी जनता हिल इन मेघालय, अरावली हिल इन राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश एंड सरगुजा चंदन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये हमारे पास चार ऐसे सैक्रेड ग्रुप्स हैं कि यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है। और देखो आइस एज जो है ना, आइस एज जो है 75,000 ईयर से 10,000 ईयर, नॉट मैं थोड़ा उल्टा नहीं, 75,000 ईयर से 10,000 ईयर तक क्या था, आइस एज था, ठीक है ना। और जो हमारे पास ये हो गया आइस एज, और होमो ह्यूमन लाइक बींग दैट इज होमो होमिनिड, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग इज होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग दैट इज होमिनिड इज होमो हैबिलिस। नीएंडरथल मैन की जो क्रिनल कैपेसिटी थी अबाउट 1400 सीसी थी, और ह्यूमन जो हमारे पास और मॉडल मॉडर्न ह्यूमन है उनका भी क्रिनल कैपेसिटी जो हो रहा है ना वो 1400 सीसी ही है।